हेलो स्टूडेंट, आज से पहले हमने इंसेक्ट की सिंपल आई ओसिलाइज के बारे में पढ़ा था, डोर्सल ओसिलाई, लेटरल ओसिलाई। आज हम कंपाउंड आई के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही सुंदर पिक्चर जो है मैंने गूगल से लिया था, जिसमें आप देखेंगे कि ये कंपाउंड आई का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो दिखाया हुआ है कि किस तरह से कंपाउंड आई जो है वो दिखाई देती है। कंपाउंड आई का नाम जो है वो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि जो कॉर्निया है वो अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल फैसेट, जिसको लेंस बोलते हैं, जो कि रिपीटेड नंबर में प्रेजेंट होता है, और ईच यूनिट को ओमिटिडिया का नाम देते हैं। जैसे कि हमने ओसिलाई में पढ़ा था कि सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपाउंड आई का ओसिला जो है, सॉरी कॉर्निया जो है वो बहुत सारे लेंसेज से मिलकर बना होता है। The number of separate visual element, that is ओमिटिडिया, varies greatly between species as well as between the larger taxa। ठीक है, तो species के बीच में, taxa के बीच में, इनमें बहुत सारी variation जो है वो देखने को मिलती हैं। They may range from as low, कहता है वो 5 ओमिटिडिया जो हैं minimum, जैसे कि एंटार्क्टिक आइसोपोड ग्लिप्टोनॉट एंटार्क्टिकस में होता है, और अबाउट 30,000 जो है एन लार्जो एन आइसोटेरा ड्रैगन फ्लाइज के अंदर मिलता है। तो आप देखेंगे कि इन्हें नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। इंसेक्ट आई को कहते हैं हम 4 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो पार्ट होगा जो आई के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्टिव मटेरियल का काम करेगा। सेकंड वो पार्ट होगा जो कहता है लाइट गैदरिंग पार्ट होगा, जिसमें क्या होगा, लेंस है, ऑक्सिलरी लेंस है, जिसको हम क्रिस्टलाइन कोर भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम लाइट को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। फिर आता है रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द इंसेक्ट आई, जो कि रेटिनल सेल होते हैं, जो कि लाइट रिसेप्टर होते हैं, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है वो नर्व्स होती हैं, जो कहता है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं और एनालिसिस करके एक इमेज जो है वो तैयार होती है। तो डिफरेंट पार्ट के बीच में जो सपोर्टिव मटेरियल हैं, जैसे कि प्राइमरी पिगमेंटेड सेल है, सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल है, जो पार्ट लाइट को गैदर कर रहा है, दैट इज़ कॉर्निया, जिसमें कहता है लेंस हैं, ऑक्सिलरी लेंस, जिसको हम क्रिस्टलाइन कोर का नाम दे देते हैं। और फिर कहता है कि जो रिसेप्टिव सेंसरी पार्ट है, जो कि रेटिनल सेल है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं लाइट को, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ब्रेन के पास फॉर एनालिसिस जो है वो मूव करता है। ओमिटिडिया का अगर हम एक ओमिटिडिया का स्ट्रक्चर करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपाउंड आई में दीज पार्ट जो रिपीटेड न्यूमरसली साइड बाई साइड इन स्पेस हैविंग हेक्सागनल पैटर्न। आप देखेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था कि वो हेक्सागनल जो पिक्चर है वो दिखाई देती है, जब हम उनको वो एक दूसरे के साइड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और एक हेक्सागनल पैटर्न जो है वो तैयार करते हैं। ओमिटिडिया जो है, एवरी ओमिटिडिया, ईच एंड एवरी ओमिटिडिया फंक्शन एज ए सेपरेट विजुअल रिसेप्टर, यानी कि हर एक ओमिटिडिया जो है लाइट को गैदर करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलेगा, और वो जो है ब्रेन के पास एनालिसिस होकर एक इमेज तैयार करेगी। ईच ओमिटिडियम कंसिस्ट ऑफ, अब ओमिटिडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कहता है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ठीक है, क्यूटिकल का बना होता है, और ये बाई कन्वेक्स होता है। इसके नीचे आप देखेंगे ये
सुडोकोन जो नाम दिया हुआ है ये है क्रिस्टलाइन कोर। अब ये क्रिस्टलाइन कोर जो है कहता है फोर सेल के से कंप्राइज होता है, जिनको हम सैम्पर सेल कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। और ये कहता है ऑक्सिलरी लेंस और सेकेंडरी लेंस का जो है काम करता है। अब आप देखेंगे कि ये एक लेंस है, लेंस के नीचे कॉर्निया जिन सेल्स होते हैं जो कि लेंस कॉर्निया जो है वो सिक्रीट करते हैं, इसके नीचे ये कौन सेल हैं आप ये देखेंगे, कौन सेल जो है वो चार फोर कौन सेल जो हैं वो अरेंज्ड है और सेंटर में उनके कोर जोन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्रिस्टलाइन कोर रीजन है ये हमने बताया सेकेंडरी लेंस का काम करता है। लाइट सेंसिटिव विजुअल सेल अरेंज्ड इन ए रेडियंट पैटर्न लाइक सेक्शन ऑफ द ऑरेंज, कहता है कि जैसे हम ऑरेंज को काटते हैं तो ऑरेंज में जिस तरह से रेडियली जो है उनकी पार्ट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं यूनिट्स, ऐसे ही कहता है इसके अंदर जो विजुअल सेल होते हैं लाइट सेंसिटिव विजुअल सेल जिसको बोलते हैं दैट इज़ रेटिनुलर सेल जो है वो भी कहता है रेडियल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन कोर के एकदम नीचे जो है वो कहता है अबाउट 8, 7 to 9 जो है वो रेटिनुलर सेल जो है वो रेडियल पैटर्न में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण सेंटर में कोर जोन आ जाता है। ठीक है, इस कोर जोन में कहता है क्या होता है कि रेटिनुलर सेल से कहता है कुछ माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो निकलती हैं और वो इस कोर लाइक पोर्शन में प्रेजेंट हो जाती हैं, यानी कि उनके जो माइक्रोविलाई हैं रेटिनुलर सेल के वो कोर के अंदर दिखाई देते हैं। और दीज माइक्रोविलाई आर एक्चुअल लाइट डिटेक्टिंग पार्ट, इनका वास्तव में जो रेटिनुलर का ये जो फिंगर लाइक माइक्रोविलाइज हैं ये लाइट डिटेक्टिंग पार्ट होती है, जिनका नाम जो है वो कोलेक्टिवली अगर हम इनको रेबडोमियर्स बोल देते हैं, और 8 रेबडोमियर्स जो हैं आपस में मिलकर जो है एक रेबडम बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि रेटिनल सेल में जो जितनी भी माइक्रोविलाई हैं माइक्रोविलाई जहाँ से निकल रही हैं वो कहते हैं रेबडोमियर्स होती हैं, और ये सारी रेबडोमियर्स को सिर्फ रेबडोमियर्स को अगर हम आपस में जोड़ें तो एक यूनिट बनती है, ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं रेबडोम। ठीक है, तो यहाँ पर TS दिखाया हुआ है तो बहुत ईजीली आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से ये अरेंज होते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर है आयरिस पिगमेंटेड शीट, जो कहता है जो क्रिस्टलाइन कोर के एकदम साइड में प्रेजेंट होती है, और इसका काम जो है वो भी कहता है कॉर्निया सिक्रीट करने का, जो हमारा क्रिस्टलाइन कोर है उनको सिक्रीट करने का काम करते हैं। ये जो कॉर्निया जन सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि पहले तो कॉर्निया सिक्रीट करते हैं, उसके बाद जो है ये पिगमेंट प्राइमरी पिगमेंटेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्राइमरी पिगमेंटेड सेल जो है इन क्रिस्टलाइन कोर और लेंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से जो सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल होते हैं वो कहता है इन रेबडम को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो दो तरह के पिगमेंटेड सेल जो हैं प्रेजेंट हैं आपको यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, यहाँ पर लाइट पर्पल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो हैं आपको ये रेड कलर के जो हैं पिगमेंटेड सेल दिखा रखे हैं। इन सेकेंडरी पिगमेंटेड के बीच में आपको रेटिनुलर सेल दिखाई दे रहे हैं, रेटिनुलर सेल के बीच में जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है वो है रेबडोम। ठीक है, अब ये सारे जो ओमिटिडियाँ हैं ये कहता है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो स्टैंड हो रखे हैं, और यहाँ से उनके एक्सोन जो रेटिनुलर सेल्स हैं उनके एक्सोन जो हैं कलेक्ट होकर जो है वो ब्रेन के पास मैसेज को ले जाते हैं। तो सबसे टॉप पे लेंसेस हैं, उनके नीचे क्रिस्टलाइन कोर हैं, कोर के जो सेंटर में जो हैं वो
प्राइमरी पिगमेंटेड सेल हैं। उसके बाद आप देखेंगे रेटिनोल सेल हैं। रेटिनोल सेल के सेंटर जो कोर होता है वो रेबडम होता है, और उनके भी साइड में जो है सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल होते हैं, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर एक्सोन है, और ये एक्सोन जो है वो न्यूरॉन के थ्रू जो है मैसेज जो है वहाँ ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। कहते हैं जो कॉर्नियल लेंस हमने देखा प्राइमरी पिगमेंटेड सेल के द्वारा सपोर्टेड है, रेटिनल सेल जो हैं जो कि रेबडोम हैं वो उनके जो सपोर्ट कर रहा है वो सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल है, और ये जो पिगमेंटेड सेल होते हैं ये वास्तव में ओमेटीडिया को ईच ओमेटीडिया को फ्रॉम जो सेपरेट करते हैं आइसोलेट करते हैं फ्रॉम इट्स नेबर ओमेटीडिया। रेटिनल सेल जो होते हैं वो कहते हैं उनका जो एक्सोन आर कनेक्टेड टू द एक्सोन एट द बेस ऑफ द आई और कैरी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द लेंस एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय रैंडम टू द ब्रेन, और जिसके कारण एनालिसिस के बाद इंसेक्ट जो है वो पिक्चर को देख सकता है। कलर विजन जो है वो कहता है इंसेक्ट के कुछ इंसेक्ट जो है वो कलर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कंपाउंड आई जो है कहता है वो एक्सीलेंट एट डिटेक्टिंग मोशन, मोशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस द विजुअल फील्ड। ओमिटीडिया प्रोग्रेसिवली टर्न ऑन एंड ऑफ बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग फ्लिकर इफेक्ट। जो इंसेक्ट है रिस्पॉन्ड फॉर बेटर फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट देन स्टेशनरी वन। तो कहता है जो कंपाउंड आइज होती हैं वो मोशन को डिटेक्ट करने में बहुत अच्छा उनका पार्ट रहता है, जैसे कि हनी भी इसके अंदर होता है। वो कहते हैं फ्लिकर इफेक्ट होता है जिसमें ओमिटीडिया जो हैं वो प्रोग्रेसिवली टर्न ऑन एंड ऑफ होते हैं, जिसके कारण एक मूविंग इमेज जो है वो क्लियरली बन पाती है। ये आप पिक्चर में देखेंगे, ये लाइट इनकमिंग लाइट रेज जो हैं वो आ रही हैं कॉर्नियल लेंस के ऊपर, कॉर्नियल लेंस से वो क्रिस्टलाइन कोन के को क्रॉस करते हुए रैंडम के पास पहुंच जाती है, और रैंडम जो हैं वो इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक्सोन के थ्रू जो है वो ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक पैसेज होता है, लाइट कैसे जो है वो ब्रेन तक पहुंचती है और एक इमेज जो है वो बन जाती है। अब टाइप ऑफ कंपाउंड कहते हैं कंपाउंड आई जो है वो क्लासिफाई की जाती हैं एपोजिशन आई और सुपरपोजिशन आई। एपोजिशन आई जिसमें कहता है कि मल्टीपल इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, क्या होता है कि ये उन इंसेक्ट के अंदर होता है जो कि ब्राइट लाइट में रहते हैं, जो पिगमेंटेड सेल हैं चाहे डायोप्टरिकल सेंसरी रीजन यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल होते हैं, वो कहता है एपोजिशन इमेज में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और स्प्रेडिंग होने से इन पिगमेंटेड सेल की ये कहता है ओमिटीडिया को एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट कर देते हैं आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, और एक शील्ड बना लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड, एब्जॉर्प्टिव शील्ड, पिगमेंटेड शील्ड, ठीक है, और ये कहता है सो दैट जो एंगल ऑफ विजन ऑफ द ओमिटीडिया जो होता है वो ओनली 1 डिग्री यानी कि सिंगल रे जो है इस एक एंगल से जो लाइट आती है और रैंडम पर आती है और रैंडम से जो है वो एक्सोन के द्वारा ब्रेन तक जाती है। अदर जितनी भी लाइट की होती हैं वो कहता है इस जो पिगमेंटेड शील्ड बन जाती है वो कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको जो है वो रैंडम के पास पहुंचने नहीं देती। ओनली जो लाइट सीधी रैंडम के पास डिग्री जिस डिग्री में जा रही है वही लाइट जो है इमेज बनाती हैं, अदर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो इमेज बनती है वो मोजाइक होती है और बहुत सेवरल डॉट यानी कि आप देखेंगे एक ओमिटीडिया जिस एंगल पर पिक्चर को देख रहा है उसी एंगल की पिक्चर तैयार करके देता है, और इस तरह बहुत सारे जो डॉट हैं वो आपस में मिलकर एक मोजाइक पिक्चर बना लेते हैं, और ईच ओमिटीडिया इसमें अपना
रोल प्ले करता है। अब कहता है क्योंकि ईच ओमिटिडिया ने एक टाइनी पोर्शन, टोटल फील्ड जो विजन है, जो पिक्चर है, उसका एक छोटा सा पोर्शन का जो है वो इमेज तैयार करता है, और ब्रेन इन छोटी छोटी इमेज को जोड़कर एक सिंगल इमेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता है। ईच डॉट कहता है सेपरेट होती है तो पिक्चर जो है बहुत ही क्लियर कट होती है, मोज़ाइक होती है, और उसको एपोजिशन इमेज का नाम दे देते हैं। अब कहता है शार्पनेस ऑफ द इमेज, अब कहता है इसमें अगर जितनी शार्पनेस में इमेज जितनी क्लियर होगी वो डिपेंड करेगा कि ओमिटिडिया कितने प्रेजेंट हैं और उनकी आइसोलेशन आपस में कितनी है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें एपोजिशन आई में ये ऑब्जेक्ट हैं, ये लाइट रेज जो हैं वो कॉर्नियल लेंस पे जा रही हैं। आप देखेंगे कि जो लाइट रेब्डम से होती हुई जा रही है वही जो है वो इमेज बनाती है, अदर लाइट जो है जो डिफरेंट एंगल से आ रही है वो पिगमेंटेड सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसी का सेकंड आप देखेंगे सुपर पोजिशन आई, जिसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से रेज जो हैं वो डिफरेंट ओमिटिडिया में एक रेज जो है डिफरेंट एंगल से जा रही है, और वो कहता है मल्टीपल इमेज जो है वो तैयार करती है। ठीक है, तो अब हम सुपर पोजिशन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसमें देख लें जो अपोजिशन आईज होती हैं वो कहता है दो ग्रुप में डिवाइड होती हैं। द टिपिकल अपोजिशन आई में लेंस जो है वो सिंपल फोकस करता है वन डायरेक्शन में ऑन द रेब्डम, वाइल लाइट फ्रॉम अदर डायरेक्शन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जैसे कि मेंटिस श्रिंप। सेकेंड काइंड ऑफ अपोजिशन आई में क्या होता है, जो लेंस जो है वो फॉर्म एन इमेज एंड इमेज आर कम्बाइंड इन द ब्रेन, और ये कहता है साइजोकोरियल कंपाउंड आई कहलाती है, और न्यूरल सुपरपोजिशन आई भी कहते हैं, जो कि स्ट्रिप्सी पटेरा के अंदर होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लेंस के थ्रू जो है लाइट मूव कर रही है, और लाइट जो है लेंस जो है उनको रैंडम में डाइवर्ट कर देता है, न्यूरल सुपरपोजिशन आई। और ये कहता है अदर डायरेक्शन में जो है वो, अब आप देखेंगे यहाँ से लाइट जो है बेंट होकर इस पोर्शन से होती हुई चली गई, और यहाँ पर कहता है एक सुपर पोजिशन जो है वो रेमडूमर्स जो हैं वो रिमेन सेपरेटेड अलोंग ओमिटिडिया। ठीक है, रेमडूमर्स जो हैं वायर टू दोज ऑफ एडजेसेंट ओमिटिडिया रिसीविंग लाइट एट सेम एंगल। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर एक सुपर पोजिशन इमेज जो है वो बन जाती है। अब है सुपर पोजिशन आई, इसमें कहता है कि एक सिंगल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, और इसमें डिपेंड करता है, ये थ्री टाइप की हो सकती हैं, बेस्ड ऑन लेंस जिसको रिफ्रैक्टिव सुपर पोजिशन बोलते हैं, बेस्ड ऑन मिरर रिफ्लेक्टिंग सुपर पोजिशन, और लेंस मिरर कम्बिनेशन जिसको हम पैराबोलिक सुपर पोजिशन बोलते हैं। जो रिफ्रैक्टिव सुपर पोजिशन आई होती है उसमें कहता है कि आई लेंस और एब्डोम के बीच में एक गैप होता है। ठीक है, और ये गैप जो होता है ये कहलाता है क्रिस्टलाइन ट्रैक। ये वो रीज़न होता है जहाँ पर कहता है कुछ कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, एक एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, और जिसमें कहता है कोई साइड वॉल यानी कि कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये गैप होने के कारण क्या होता है, ईच लेंस टेक लाइट एट एंगल टू इट्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट इट टू द सेम एंगल ऑन द अदर साइड। आप देखेंगे लेंस जो है यहाँ पर लेंस जो है वो वर्क कर रहा है, ये लेंस जो है वो लाइट को ट्रैक करता है और उसको कहता है एक एंगल पर यानी कि रेब्डम के एंगल पर उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इमेज जो है वो जितनी भी लाइट हैं वो ये इस जो हमारा लेंस है, लेंस जो है इसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, और जिसके कारण जो इमेज बनती है वो आई की रेडियस से हाफ बनती है। ठीक है, विच इज़ वेयर द टिप ऑफ रैंडम, और ये वो रीज़न होता है जहाँ पर रैंडम जो है वो प्रेजेंट होता है।
और ये कहता है हमेशा जो है नक्टर्नल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि जो डिम लाइट के अंदर काम करते हैं इंसेक्ट, उनके अंदर कहता है सुपर पोजिशन आई जो है वो प्रेजेंट होती है, और एक सुपर इम्पोज्ड, क्योंकि हर एक ओमिटीडिया जो है वो लाइट जो है वो उसका लेंस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करके रैंडम पर डाल देता है, और एक मल्टीपल जो सुपर इम्पोज इस हर एक ओमिटीडिया की इमेज जो है वो सुपर इम्पोज्ड हो जाती है और ब्रेन जो है उसको एनालाइज कर देता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहता है पूरे थ्रू आउट द लेंस अगर हम नज़र डालेंगे तो वो डिफर करता है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ जाता है, बढ़ता जा रहा है और फिर कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक सुपर इम्पोज इमेज जो है वो बन जाती है। सेकेंड टाइप जो होती है वो है रिफ्लेक्टिव सुपर पोजिशन आई, इसमें कहता है लेंस जो है वो अपना काम नहीं करता, यहाँ पर जो है मिरर जो कि हमने क्रिस्टलाइन कोर बोला था, क्रिस्टलाइन ट्रैक बोला था, उसमें कहता है वो एक मिरर का काम करता है। इसमें कहता है जो लॉन्ग बॉडीज डेकापोड्स क्रस्टेशंस होते हैं, श्रम्स हैं, प्रॉन्स हैं, क्राइफिश हैं, लोबेस्टर हैं, वो कहता है उनके अंदर रिफ्लेक्टिंग सुपर पोजिशन आई जो होती है, और कहता है जो ट्रांसपेरेंट गैप है जिसको हमने क्रिस्टलाइन ट्रैक बोला है वो कहता है एज ए मिरर जो है वो काम करता है और लेंस जो है वर्तनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइट रेज जो है उस ट्रैक के ऊपर गिरती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर एक सुपर इम्पोज इमेज जो है वो बना लेती हैं। अब यहाँ पर जो मिरर सरफेस है वो एंटीरियर ओमिटीडिया के अंदर की साइड में वो लाइट रेज को देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सेंट्रल लाइट जो डायरेक्ट ओमिटीडिया पे आ रही है वो जो है इमेज के ऊपर, तो बहुत सारी इमेजेस जो हैं आपस में सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं। पैराबोलिक सुपर पोजिशन आई में क्या होता है कि ये मे फ्लाइज के अंदर जो होता है वहाँ पर कहता है कि लाइट जो है वो ईच फैसेट जो है लाइट फोकस करता है फ्रॉम ए रिफ्लेक्टर टू सेंसर एरे, यहाँ पर जो लेंस है और जो मिरर है दोनों वर्क करते हैं, लेंस भी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और मिरर जो है रिफ्लेक्ट करता है, और लास्ट में जो है एक इमेज सुपर इम्पोज इमेज जो है वो बन जाती है। अब ये कहता है डिम लाइट के अंदर इस तरह का विज़न देखने को मिलता है, इसमें जो पिगमेंटेड सेल होते हैं वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, जिसके कारण जो ज़्यादा लाइट है वो आई तक पहुंच पाती है। यहाँ पर जो ओमिटीडिया हैं वो आइसोलेट नहीं होते क्योंकि पिगमेंटेड सेल जो हैं वो श्रिंक हो गए, तो जिसके कारण कहता है जो ऑब्लिक लाइट्स होती हैं वो कहता है नेबरिंग ओमिटीडिया को स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, और ओवरलैपिंग ऑफ एडजेसेंट ब्लोचेस जो इमेजेस हैं वो ब्रेन के अंदर बनती है। एपोजिशन आई में हमने देखा था जो हमारे ओमिटीडिया थे वो कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, और ओमिटीडिया जो है आपस में जो है एक दूसरे से आइसोलेट थे, और जो रैंडम के ऊपर लाइट पड़ रही थी वही इमेज बना रही थी, ठीक है। लेकिन कहता है जो सुपर पोजिशन आई होती है उसमें क्योंकि वो डिम लाइट के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होती हैं, उनके पास लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है, तो वो जो है पिगमेंटेड सेल जो है श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंक करने से जो ओमिटीडिया के बीच में आइसोलेशन है वो ख़त्म हो जाता है, जितनी भी लाइट होती है मैक्सिमम लाइट जो है वो डायरेक्ट रैंडम के पास और बेंट होकर सेकेंड जो ओमिटीडिया है उसके अंदर से होती हुई जो है वो एक तरह से मैक्सिमम लाइट को कवर करना चाहते हैं, और इसमें कहता है ओवरलैपिंग इमेज जो है वो ब्रेन के अंदर बनती है, वो इमेज जो है कहता है शार्प नहीं होती, थोड़ी हेजी टाइप की होती है, हमारी
जो सुपर पोजिशन आई के अंदर। थैंक यू। आपने देखो इसमें आपने देखा कि कंपाउंड आई जो है उसकी वर्किंग जो है वो उन दूसरी आईज जो हैं जो हमने ओसिलाई पढ़े थे उनसे अलग हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एक एपोजिशन टाइप की आई, अब कहते हैं जिसमें हमने बताया कि पिगमेंटेड सेल जो है वो एक्सपेंड होकर ओमेटिडिया को आइसोलेट कर देते हैं। तो कहता है कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो दिन के समय उनके पिगमेंटेड सेल एक्सपेंड हो जाते हैं, और एक जो रैंडम के थ्रू जो है, क्योंकि लाइट को उन्होंने कम करना है तो जो पिगमेंटेड सेल क्या करते हैं लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो एक रैंडम के थ्रू जो है वो इमेज बनती है। लेकिन कहता है वही इंसेक्ट जो है रात के समय जो है वो अपने पिगमेंटेड सेल को जो है वो श्रिंक कर लेते हैं, ओमेटिडिया जो है वो आपस में उनका आइसोलेशन कम हो जाता है और वो जो है सुपर इम्पोज्ड आई जो है वो बना लेते हैं। तो जो सर्केडियन साइकिल है जो डे और नाइट की, वो कहते हैं आपस में ऑन ऑफ होते रहते हैं और एक अपने आप को लाइट की वेवलेंथ पर, लाइट की इंटेंसिटी पर एडजस्ट करके अपनी इमेज जो है वो तैयार करते हैं। और ये इमेज जो है वो कहते हैं हर एक ओमेटिडिया जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करता है और उसकी इमेज तैयार करके देते हैं। इस तरह मल्टीपल जो ओमेटिडिया होते हैं पूरी फील्ड व्यू का एक एक पोर्शन जो है वो इमेज बना के ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन जो है उनको जो है एक सिंगल इमेज में तैयार कर देता है। और हमने देखा कंपाउंड आई जो है वो मोशन जो इमेजेस हैं उनको बनाने में भी एक्सीलेंटली वर्क करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड आई। थैंक यू।